हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन. टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस बुक एक्सरसाइज ऑफ लेसन टू. लेसन टू इज लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. लेट अस डिस्कस द एक्सरसाइज. ए पार्ट, टिक द करेक्ट आंसर. वी हैव बीन गिवन अ स्टेटमेंट. There are three options. We have to take the correct one. First is, which of these can grow? इनमें से कौन बढ़ सकता है? Car, tree या bus? Car हम सभी को पता है एक non-living thing है. Tree एक living thing है और bus non-living thing है. हमारा correct answer है B, tree. Second, animals that breathe through gills. ऐसे animals, ऐसे पशु जो कि gills से सांस लेते हैं. Fish, grasshopper या horse. इनमें से कौन gills की मदद से सांस लेता है? Fish. Fish is the correct answer. Third is, which of these cannot move? इनमें से कौन हिल नहीं सकता? ह्यूमंस यानी कि इंसान. सेकंड प्लांट्स यानी कि पेड़ पौधे. थर्ड है एनिमल्स यानी कि पशु. ह्यूमंस और एनिमल्स जब मन करे जहाँ मन करे घूम सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकते हैं, लेकिन प्लांट्स जो हैं एक जगह पर फिक्स होते हैं. करेक्ट आंसर है प्लांट्स. फोर्थ इज animals that lay eggs to reproduce. ऐसे जानवर जो प्रजनन के लिए अंडे देते हैं. lion, hen, cow. lion पता है आप सभी को, lion के cubs होते हैं, cow के calves होते हैं, ये बच्चों को जन्म देते हैं. hen is the correct answer क्योंकि मुर्गी जो है वो अंडे देती है. fifth, things that need food to live. ऐसी चीज़ें जिन्हें खाने की आवश्यकता होती है ज़िंदा रहने के लिए. First is animals यानी कि पशु. Second humans इंसान. C है both A and B. Animals को ज़िंदा रहने के लिए खाने की ज़रूरत होती है. Humans इंसानों को भी ज़िंदा रहने के लिए खाने की ज़रूरत होती है. इसमें दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट हैं, इसीलिए आंसर आएगा बोथ ए एंड बी. बी पार्ट, राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग. वी हैव बीन गिवन अ स्टेटमेंट. वी हैव टू राइट द आंसर इन वन वर्ड. फर्स्ट इज ह्यूमन बीइंग्स ब्रीद थ्रू दिस. इंसान इससे सांस लेते हैं. आंसर इज लंग्स यानी कि फेफड़े. सांस लेने के लिए हम फेफड़ों का प्रयोग करते हैं. हम अपने नाक से सांस लेते हैं, विंड पाइप से होते हुए जो ये वायु होती है वो हमारे फेफड़ों तक जाती है. तो करेक्ट आंसर है लंग्स. सेकंड, टाइनी पोर्स फाउंड इन लीव्स ऑफ प्लांट्स. पौधों के पत्तों पर पाई जाने वाले छोटे छोटे रोम छिद्र, छोटे छोटे जो छेद होते हैं, उन्हें कहते हैं स्टोमेटा. आंसर इसका स्टोमेटा है. स्टोमेटा पत्तों के नीचे वाली साइड बने हुए छोटे छोटे छेद होते हैं जिनकी मदद से जो प्लांट्स हैं वो सांस लेते हैं. थर्ड, इट डिपेंड्स ऑन प्लांट्स फॉर फूड. यह खाने के लिए पौधों पर निर्भर करते हैं. दो आंसर्स हैं इसके, ह्यूमन और एनिमल्स. ये दोनों ही प्लांट्स पर निर्भर करते हैं खाने के लिए. इनमें से हम कोई भी आंसर लिख सकते हैं, ये दोनों करेक्ट हैं. फोर्थ इज द लीव्स ऑफ दिस प्लांट क्लोजेस व्हेन टच्ड. ये एक ऐसा पौधा है जिसके पत्तों को जब भी छुआ जाता है तब ये जो पत्ते हैं वो बंद हो जाते हैं. अगर इस पौधे के पत्तों को हम हाथ लगाएंगे तो वो जो पत्ते हैं वो बंद हो जाएंगे.
आंसर इज टच मी नॉट। जो छुई मुई का पेड़ होता है, पौधा होता है, उसके पत्तों को जब टच किया जाता है, जब छुआ जाता है, तो उसके पत्ते बंद हो जाते हैं। फिफ्थ इज एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ अ हॉर्स। एक घोड़े का औसतन जीवन काल क्या होता है? आंसर इज 25 to 30 years। एक हॉर्स जो है वो औसतन 25 to 30 साल तक जीवित रहता है, उसके बाद उसका मरण हो जाता है। ये एवरेज है, उसकी औसत है जीवन काल। सी पार्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। वी हैव बीन गिवन ऑप्शंस, इन्हीं ऑप्शंस को यूज़ करके हमें इन स्टेटमेंट्स में जो ब्लैंक्स हैं इन्हें फिल करना है। फर्स्ट, ह्यूमंस एनिमल्स एंड प्लांट्स आर डैश थिंग्स। इंसान, पशु और पौधे डैश चीज़ें हैं। लिविंग यानी कि जीवित वस्तुएं, ये तीनों जो हैं ये जीवित वस्तु हैं, क्योंकि ये सांस लेते हैं, ज़िंदा रहने के लिए इन्हें खाने और पानी की ज़रूरत होती है, ये बढ़ते हैं, तो ये सभी जो हैं ये जीवित चीज़ें हैं। सेकेंड, डैश मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ एयर वाटर एंड सनलाइट। आंसर है प्लांट्स। प्लांट्स जो हैं वो पानी, हवा और सूरज की रोशनी की मदद से अपना खाना खुद बनाते हैं। थर्ड, डैश ब्रीथ्स थ्रू द एयर होल्स ऑन देयर बॉडी। ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर जो होते हैं वो अपने शरीर पर जो एयर होल्स होते हैं, जो छोटे छोटे छेद बने होते हैं, उनकी मदद से सांस लेते हैं। फोर्थ, अ डैश ओपन्स आउट एट सनराइज एंड क्लोजेस एट सनसेट। लोटस, एक लोटस जो होता है, लोटस का जो पौधा होता है और उसके जो फ्लावर्स होते हैं, वो सुबह जब सूरज की रोशनी होती है तब वो ओपन हो जाते हैं, खुल जाते हैं, और जब सनसेट होता है, शाम को जब सूरज ढल जाता है सनसेट के टाइम पर, ये जो फ्लावर्स होते हैं ये बंद हो जाते हैं। फिफ्थ इज ह्यूमंस रिप्रोड्यूस बाय गिविंग डैश बर्थ। मनुष्य जो हैं वो जन्म देकर प्रजनन करते हैं। हमने इस चैप्टर में रिप्रोडक्शन जब स्टडी किया था, हमने ये स्टडी किया था उस टाइम पर, जो एनिमल्स हैं, कुछ एनिमल्स एग्स देते हैं और कुछ एनिमल्स बेबीज़ को जन्म देते हैं। तो यहाँ पर सेम है, ये ह्यूमंस कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, मनुष्य जो हैं वो बच्चों को जन्म देकर प्रजनन करते हैं। दिस इज़ ऑल, थैंक यू।